दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर शाओमी की तरफ से यहाँ पर यमआई 9 लॉन्च हो चुका है, जो कि आज ही चाइना में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर यमआई 9 के जो टॉप 10 फीचर्स है, उसकी प्राइस रेंज क्या होने वाली है और कब तक इंडिया में आएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट में आपको इसके जो टॉप 10 फीचर्स और उसके वेरियंट के बारे में बताने वाला। तो यहाँ पर यमआई 9 के बारे में अगर बात की जाए, तो यमआई 9 के 3 वेरिएंट आने वाले हैं। यहाँ पर यमआई 9 में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और जो 3 वेरिएंट्स रहेंगे वो वेरिएंट कुछ इस तरीके से होंगे, जो कि एक फर्स्ट वेरिएंट होगा यमआई 9, उसके बाद में होगा यमआई 9 एसी यानी कि स्पेशल एडिशन, उसके बाद में जो थर्ड वाला होने वाला है जो कि यमआई 9 एक्सप्लोरर एडिशन। ये जो एक्सप्लोरर एडिशन होने वाला है, एक्सप्लोरर एडिशन काफ़ी अच्छा एक ट्रांसपेरेंट एक मोबाइल फ़ोन होने वाला है। तो चलिए यमआई 9 की और एसी की अगर बात की जाए, तो मोस्टली फीचर सेम है। जो कि एम आई 9 और जो एम आई एक्सप्लोरर एडिशन होने वाला है, इसके जो मोस्टली अगर साइज़ की अगर बात की जाए, तो 6.36 इंच का जो डिस्प्ले आता है, यहाँ पर 6.39 इंच का FHD डिस्प्ले है, जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ में आ जाता है। और उसके बाद में रैम की अगर बात की जाए, तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक जो होगा 6 GB रैम, उसके बाद में 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, और जो दूसरा वाला रहेगा वो होगा जो कि 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। उसके बाद में स्नैपड्रैगन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्नैपड्रैगन यहाँ पर आ जाता है, जो कि 855 का आ जाता है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि एक 5G टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला रहेगा MI 9 और जो एक्सप्लोरर एडिशन है, उसमें अगर देखा जाए तो आपको कैमरास की अगर बात की जाए, तो 48 MP प्लस 12 MP का कैमरा, उसके साथ में एक 16 MP का कैमरा आएगा, जो कि बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने को मिलेंगे, जो कि एक रहेगा वाइड एंगल कैमरा, और जो आपका रहेगा एक जो मेन कैमरा, उसके साथ में एक जो डेप मेजर करता है वो कैमरा। उसके बाद में यहाँ पर फ्रंट में आपको 20 MP का एक कैमरा मिलेगा, उसके साथ में बैटरी मिलेगी, यानी कि 3300 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये जो बैटरी है 20W वायरलेस चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके प्राइस रेंज की, या तो जो MI 9 SE है जो स्पेशल एडिशन है, उसकी जो साइज अगर देखा जाए, तो 5.97 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, उसमें आपको स्नैपड्रैगन का एक लेटेस्ट 712 आपको एक प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन, उसके बाद में आपको 6 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, और जो दूसरा वाला वेरिएंट है वो जो है 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। कैमरा की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर 48 MP का प्लस 8 MP प्लस 13 MP, यानी कि 3 कैमरास है बैक साइड में, उसके बाद में 20 MP का फ्रंट कैमरा आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। और MI 9 SE की अगर बात की जाए प्राइस रेंज की, तो यह आपको मिलेगा तकरीबन 32,000 रुपीज़ में चाइना में, और इंडियन प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं है, जो कि इंडियन प्राइस में आने के बाद थोड़े से वेरिएशन आ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात की जाए यहाँ पर, जो कि हमारा जो नेक्स्ट वाला रहेगा एक्सप्लोरर एडिशन, जो कि टॉप का फ़ोन है MI का, जो कि एक ट्रांसपेरेंट फ़ोन है, जो कि मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो टॉप का जो फ़ोन है, जो कि उसकी प्राइस की अगर बात की जाए, तो वो 43,000 या तो 44,000 रुपीज़ प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली एक ट्रांसपेरेंट फ़ोन होने वाला है, जो कि उसके बैक साइड में आपको एक ट्रांसपेरेंट लुक मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस होगी तकरीबन कितनी, 44,000 रुपीज़ के आसपास उसकी प्राइस होने वाली है। उसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर जो कि है हमारा MI 9, तो MI 9 की आपको मोस्टली प्राइस देखने को मिलेगी 35,000, यानी कि एक होगा 32,000, एक होगा 35 या तो 36, और जो लास्ट वाला वेरिएंट रहेगा उसकी 44,000 रुपीज़ के आसपास उसकी प्राइस रेंज रहेगी। और यहाँ पर इंडिया में कब आएगा उसकी अगर बात की जाए, तो मोस्टली अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इंडिया में आएगा भी या नहीं आया है, नहीं आएगा। तो इसके वजह से यहाँ पर अगर देखे जाए, तो इंडिया में आएगा, बट इस प्राइस रेंज में अगर आता है तो काफ़ी मज़ा आएगा इंडिया में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि स्नैपड्रैगन 855 देता हो। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके की वीडियो थी। इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं या आपको कोई दिक्कत आती है, तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।